हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो सब्जी लेके आई हूँ वो है सोयाबीन की बड़ियाँ, जिसे कुछ सब्जियाँ ऐड करके मैं इसके साथ बनाऊँगी। काफ़ी अच्छी सब्जी बनके तैयार होती है और टेस्टी भी लगती है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए देख लेते हैं। ये एक कटोरी सोयाबीन की बड़ियाँ हैं, जिसे मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया था। और एक आलू लिया है इसमें मिक्स करने के लिए। कुछ ये शिमला मिर्च है, 3 कलर की है। आपके पास जो कोई कलर हो उसी की ले सकती हैं आप शिमला मिर्च। और कुछ हरी प्याज है, एक कटोरी। ये मटर है, एक टमाटर है जिसे मैंने चॉप कर लिया था। और ये 2 से 3 हरी मिर्च और अदरक 1 इंच टुकड़ा था, इन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। तो अगर आपके पास और भी सब्जियां हों तो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो बनाते हैं ये सोयाबीन की टेस्टी सब्जी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपने दुर्गा किचन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। आइए बनाते हैं सोयाबीन की सब्जी। एक कढ़ाई रख दी है फ्रेंड्स मैंने, और इसमें 4 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो आप वो यूज़ कीजिए। तो बस ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डाल देती हूँ। इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब इसी के साथ मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च और अदरक। इसे मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब जाएंगे इसमें ये टमाटर। टमाटरों को मैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे गल जाए, एक ग्रेवी सी बन जाए, तब तक मैं इसे भूनूंगी। कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ इसी के साथ। 1/2 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। ये मेरी कुटी हुई लाल मिर्च है और कुटा हुआ ये धनिया पाउडर है। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। और इसमें मैं 2 चम्मच अभी पानी ऐड करूंगी क्योंकि मसाले हमारे जले ना और अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो, टमाटर हमारे अच्छे से जल जाएँ, मसाले भुन जाएँ ऑयल में। तो इस तरह से मैं थोड़ी देर इसे भूनूंगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, सब्जी में हमारी में बहुत प्यारा कलर आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। जो मसाले बन जाते हैं तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मसाले मेरे भुन चुके हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी ये आलू, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है, आलू में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसे थोड़ी देर मसालों के साथ इसे भून लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें और सब्जियाँ ऐड करूँगी जिससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं डाल देती हूँ फ्रेंड्स ये हरी प्याज और ये शिमला मिर्च। इसी के साथ इसे ऐड कर देते हैं। और ये जो मैंने 1 कटोरी मटर ली थी ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और सोयाबीन की बड़ियाँ इसमें मैं डाल देती हूँ। और सारी चीज़ों को करेंगे फ्रेंड्स मिक्स। उससे पहले मैं डाल देती हूँ उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक मैंने अभी नहीं डाला था। सारी सब्जियाँ पड़ गई हैं, हम उसी हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अब बस सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स इस तरह से। मसालों के साथ हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डालूंगी और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं पकने दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसे सूखी सब्जी बना रही हूँ। आप हल्की ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिए, लेकिन ये सब्जी सूखी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसे सिर्फ सब्जियों को पकने तक ही इतना पानी डाल रही हूँ। तो बस इसे मैं थोड़ी देर ढक के पकाती हूँ। बीच में मैं इसे चेक कर लूँगी, 10 से 15 मिनट मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ, फ्लेम को कर देती हूँ बिल्कुल स्लो। तो 10 मिनट से 15 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट फ्रेंड्स। तो मैंने इसे एक बार बीच में अच्छे से चला दिया था जिससे ये लगे ना। और अभी मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से गल चुकी है। मैं इसमें डाल देती हूँ ये
गरम मसाला और इसे 1 मिनट अभी मैं और पकने देती हूँ। इस तरह से 1 मिनट मैं इसे अभी और पकने दूंगी, उसके बाद सब्जी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। रख देते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी तैयार है। हरी धनिया से इसे गार्निश कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। काफ़ी अच्छी टेस्टी टेस्टी सब्जी बनी है, आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर दुर्गा किचन को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए, और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए। थैंक यू।